नमस्कार दोस्तों, जज्बे में उम्र कभी आड़े नहीं आती है, ये साबित कर दिया है लेक्चरर रहे सोन सिंह गिल ने। जी हाँ, आज मैं आपको एक इंस्पायरिंग स्टोरी बताने जा रही हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सोन सिंह गिल कौन है, उनको पढ़ने का विचार कैसे आया, उन्होंने कैसे पढ़ना शुरू किया, ये सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सोन सिंह गिल ने 83 की उम्र में MA इंग्लिश से किया और बड़े जज्बे का परिचय दिया, यह बहुत बड़ी बात है। वह पूर्वी अफ्रीका के केन्या में शिक्षा के क्षेत्र में 23 साल तक अपनी सेवाएं दे करके अपने देश लौटे। फिर यहाँ उन्होंने पंजाब में एक लवली यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की। 61 वर्ष की पुरानी इच्छा उन्होंने पूरी की और LPU के कन्वोकेशन के समारोह में उनको डिग्री दी गई। वो दिन उनके लिए बहुत खास था। अब मैं आपको बताती हूँ कि उनको और भी बहुत कुछ शौक थे। सोन सिंह इंटरनेशनल हॉकी में ग्रेट एम्पायर रहे। उन्होंने केन्या में हॉकी एम्पायर्स एसोसिएशन में 6 साल तक काम किया, उनके सचिव पद पर भी वे रहे। कोस्ट हॉकी एसोसिएशन की चेयरमैन के दौर में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। सोन सिंह कहते हैं कि 1998 में केन्या के लिए वीज़ा खुला था, तब वे अपने साधु सेवा सिंह बड़ैच के साथ वहाँ चले गए थे। उस समय 4 रुपये किराया हुआ करता था। वाइस प्रिंसिपल वरियाम सिंह कहते थे कि MA इंग्लिश कर ले, मन में ख्वाहिश भी थी। ऐसे में केन्या में रहते हुए MA इंग्लिश के सपने आते रहते थे मुझे। एक तरह से अधूरी ख्वाहिश का सपना रह करके मुझे सताता रहता था। रिटायरमेंट के बाद, देश में लौटने के बाद, यहाँ के स्कूलों में मैंने लगातार पढ़ाया। MA इंग्लिश नहीं कर पाने की बात फिर भी मेरे मन में कचोटती रही। 2017 में रिटायरमेंट ले लिया। गांव में बैठे बैठे अधूरी ख्वाहिश पूरा करने का मेरे को विचार आया। इसे पूरा करने के लिए जोगिंदर सिंह ने भी हौसला दिया। बेटा अमेरिका में बतौर इंजीनियर सेटल है। बेटे ने भी मेरी काफ़ी हिम्मत बढ़ाई। सोन सिंह कहते हैं कि सबका सहयोग मिलने से उन्होंने LPU के बंगा में ऐसे डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर से MA इंग्लिश के लिए फॉर्म भर दिया। इंग्लिश तो पहले से ही अच्छी थी, अब डिग्री हाथ में आने से अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब बच्चों के लिए किताबें लिखने पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ऐसा सोन सिंह गिल कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सोन सिंह गिल का जन्म 15 अगस्त 1936 को जिला होशियारपुर के गांव दाताकोट फतुही में हुआ था। उन्होंने प्राइमरी स्कूल पंडोरी गंगा सिंह में 1 से 3 कक्षा तक, मिडिल स्कूल खैरड़ अच्छरवाल में 6 उर्दू की पढ़ाई की, खालसा कॉलेज हाई स्कूल माहलपुर में 1953 में 10वीं की, श्री गुरु गोविंद सिंह खालसा कॉलेज माहलपुर में 4 वर्षों तक फिर पढ़ाई की। उसके बाद 1997 से 98 के बैचलर में टीचिंग खालसा कॉलेज अमृतसर से की। उस समय BEd नहीं हुआ करता था। और उसके बाद वे केन्या गए। 10 अक्टूबर को 1998 में समुद्री जहाज से केन्या के लिए रवाना हो गए। 18 अक्टूबर मोमांसा पहुँचे। 2 महीने नवंबर में रेस्ट किया और उसके बाद उन्होंने नौकरी शुरू कर दी। केन्या में उस समय 7वीं तक प्राइमरी हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 8वीं तक हो गई है। वहाँ वर्षों तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया, 2 साल मिडिल डिग्री स्कूल में पढ़ाया। उसके हेड मास्टर भी बने रहे। उसके बाद टीचर कॉलेज में केन्या में 25 वर्षों तक सेवाएं दी। 31 अगस्त 1991 में वे सेवानिवृत्त हुए और फिर 3 अक्टूबर 1991 में स्वदेश लौट आए। गांव में उन्होंने एक गुरुद्वारे का निर्माण भी किया, वहाँ बहुत सेवा की। सोन सिंह गिल हॉकी और फुटबॉल के कॉलेज के टाइम से ही खिलाड़ी रहे थे। वे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन जनरल सिंह के साथ भी खेल चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देश लौटने पे उन्होंने 15 वर्षों तक बिंजो पब्लिक स्कूल, 5 साल संत बाग सिंह स्कूल पब्लिक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई। स्कूल के टॉपर्स भी 94% तक अंक हासिल करते रहे। 1917 में उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया और रिटायरमेंट के बाद 28 साल गांव में रहते हुए उन्होंने वहाँ गुरुद्वारे का निर्माण किया। तो दोस्तों, ये एक काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर
अपनी राय दीजिएगा।